इस वीडियो में हम सीखेंगे नोड जेएस मैंगो डीबी इंसर्ट इंसर्ट इनटू कलेक्शन, कलेक्शन मतलब टेबल, और नो एसक्यूएल यह डाटा के बाइनरी जेएसएन फॉर्मेट में स्टोर करता है। और यहाँ टेबल को हम कलेक्शन बोलते हैं, और माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का ही अंतर है हमारा। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया, मैंगो क्लाइंट रिक्वायर मैंगो डीबी मैंगो क्लाइंट। उसके बाद मैं यूआरएल लिख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है मैंगो डीबी का लोकल हास्ट, और ये पोर्ट का नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके लिए हमें मैंगो डीबी को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद मैंगो क्लाइंट कनेक्ट किया हमने यहाँ पर, यूआरएल फंक्शन एरर डीबी इफ एरर थ्रो वेरिएबल डीबी ओ डीबी डॉट डीबी माय डीबी, और यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया माय ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने इंसर्ट कर दिया डाटा नेम और एड्रेस और बी डी ओ कलेक्शन कस्टमर टेबल हमारी उसमें कलेक्शन हो जाए। इंसर्ट वन माय ऑब्जेक्ट फंक्शन इफ एरर थ्रो, और हमारे डिस्प्ले मिल जाए कि वन रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी हम वन रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और इसको बंद कर दिया हमने। इसके लिए हमें पहले npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमने न्यू टर्मिनल ओपन किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने npm इंस्टॉल मैंगो डीबी को इंस्टॉल कर दिया। कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है ये हमारा, और यहाँ एक फोल्डर बन जाता है, यहाँ एक नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर बन गया हमारा। जब हमारा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पर इसको रन कर देंगे नोड इंडेक्स डॉट js को। एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम सीखेंगे इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड, तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिंगल जो रिकॉर्ड है यहाँ पर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ रो को डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम, यहाँ प्लस लगा के हमें लिखना है REC इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और सेव करके इसको डिस्प्ले देखना है कंट्रोल एस, और जब यहाँ रन करेंगे हम तो हमें डिस्प्ले मिल जाएगा नोड इंडेक्स डॉट js, तो हमें पूरा डिस्प्ले मिल गया।